वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्यारी सी किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन है, घंटे का बटन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। और वीडियो को भी अच्छा लगे तो थम्स अप तो जरूर दिखा दीजिएगा, कमेंट्स करके अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ चिकन बिरयानी की बहुत ही शानदार आसान सी रेसिपी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था कि मैडम चिकन बिरयानी की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी हमें बताओ। तो उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पे आज बताने जा रही हूँ आपको चिकन बिरयानी की ऐसी रेसिपी जिसका इन्ग्रीडियंट्स आपको बहुत ही आसानी से अपने घर में मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम के आसपास चिकन। चिकन को काफ़ी अच्छे से धोना है। धोने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि जब आप पानी में इसको डालो तो थोड़ा सा नमक डाल करके 10 मिनट छोड़ दो, जिससे चिकन काफ़ी अच्छे से धुल जाएगा, इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी। और धोने के बाद यहाँ पे हमें डालना है हल्दी पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच। तो यहाँ पर हमें इसको मैरिनेशन करना है, तो मैरिनेशन के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर थोड़ा सा लेंगे हम धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर 1/3 ले लें। और फिर इसके बाद जो है बहुत सारा जो हमें हरा धनिया का पत्ता डालना है। दोस्तों, हरा धनिया का पत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देता है। और ये जो है हमारा पुदीना का पत्ता है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे लेकिन स्वाद इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैरिनेशन प्रोसेस हमारे चिकन को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनाता है। और फिर डालेंगे ढेर सारा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है। और फिर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा है दही, तो 1/2 कप मैंने दही लिया है। दही जो है मैरिनेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा शानदार बनाता है। अगर आप चिकन बना रही हैं तो मैरिनेशन में दही ज़रूर इस्तेमाल करें। और फिर लास्ट में डालेंगे यहाँ पे नमक स्वाद के हिसाब से और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे से चिकन को हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर आप सिंपल चिकन भी बना रहे हो तो इस तरह से मैरिनेट करके बनाओ, आपका चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा, यानी बिल्कुल भी इसको आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर हम जो हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट्स बचा है वो हमारा है ये नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू का रस निकाल करके डाल दिया है, जो कि नींबू का रस और भी ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देगा। तो नींबू का रस और दही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता है तो वो ज़रूर ऐड करें इस मैरिनेशन प्रोसेस में। तो काफ़ी अच्छे से इन सबको मिक्स करके इसको हम छोड़ देंगे लगभग 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो 1/2 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं हम, और जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बासमती का चावल, यहाँ पर मैंने 1.5 कप बासमती का चावल यानी कि 350 ग्राम के आसपास बासमती का चावल लिया है। और ये दोस्तों बासमती का चावल आपको ऐसा लेना है कि बिल्कुल आपका बिरयानी टूटना नहीं चाहिए। तो जब भी आप बासमती चावल यानी बिरयानी चावल लेने जाओगे तो उनसे बोलो पका हुआ बासमती चावल चाहिए, यानी कि स्टीम्ड बासमती चावल चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो है बिरयानी बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो आप कोई भी शॉप पे जाओ तो ये बात ज़रूर बोलो कि हमें स्टीम्ड वाला राइस चाहिए, बासमती राइस चाहिए। अब जो प्रोसेस आती है, अब बिरयानी को चावल को धोने की बारी आती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग जो है चावल को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मसल के धोते हैं, जिसकी वजह से ये चावल आपको टूट जाएगा और आपका बिरयानी बहुत ही अच्छा नहीं बनेगा। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको प्यार से, बहुत ही प्यार से धोना है, और जिससे जिसकी वजह से इसके अंदर जितना भी पाउडर या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। काफ़ी अच्छे से इस तरह से बिल्कुल प्यार से इसको अच्छे से धो लेना है, लगभग 3-4 पानी से धोइए, जिससे कि इसका अंदर ये जो वाइट दिख रहा है पानी में वो सब निकल जाएगा। तो 3-4 पानी से अच्छे से धो लीजिए और फिर लास्ट में हमें इसमें पानी डाल करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है फूलने के लिए, तभी आपका बिरयानी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो बीच छोड़ देते हैं 20-25 मिनट के लिए। और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा चावल को पकाने की। अब चावल पकाने के लिए भी बहुत सारी ध्यान देने वाली बात होती है। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पानी डाल दिया है, और पानी में हमें यहाँ पर डालना है ढेर सारा नमक। नमक इतना डालना है कि आपका पानी नमकीन होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप चावल इसमें पकाओगे तो आपका चावल बिल्कुल भी फीका नहीं होना चाहिए। तो चावल में 3-4 चम्मच नमक ज़रूर डाल दें, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं डालें कि आपका पानी नमकीन बहुत ही ज़्यादा हो जाए। आप अपने अंदाज़े से जितना पानी लिए उस हिसाब से नमक डालो कि आपका पानी जो है नमकीन होना चाहिए।
और फिर दूसरा जो इसमें बात है, पानी को हमेशा खौला लेना चाहिए काफ़ी अच्छे से। जब पानी बॉयल होने लगे तब जा करके उसमें हमें ये जो बासमती वाला चावल डालना चाहिए। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको चावल बनाने के टाइम पे। और अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट वाली बात है वो हमारा चावल अगर फुला हुआ है, नॉर्मल चावल है, तो उसको डालने के बाद आपको बार बार कलछी इसमें घुमाना नहीं है, यानी चावल को बार बार आपको हिलाना नहीं है, नहीं तो आपका चावल जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बिरयानी वाला चावल। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से फैला दे एक बार, और फिर तेज़ आँच पे इसको आपको इतना पकाना है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि पकाना कितना है, 60-70% आपको पकाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है कि आपका चावल बिल्कुल बन करके रेडी होना चाहिए। आप जब हाथ से इसको चेक करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 60-70% पक जाना चाहिए, यानी जब इस तरह से दबाओगे तो ये अच्छे से इस तरह से टूट जाएगा और फिर अंदर से आपको कच्चा फील होगा, यानी इसका मतलब है चावल हमारा 60-70% पक चुका है। तो बस इतना ही, चावल को 60-70% पकाना है। और पकाने के बाद एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत बात है, यानी चावल पकाने के टाइम पे दोस्तों आपको बार बार मतलब छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिरयानी काफ़ी अच्छा बनेगा। जब हमारा चावल पक जाएगा 60-70% तो उसको हमें स्टेन कर लेना है, यानी गर्म पानी से निकाल लेना है। और गर्म पानी से निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि तुरंत इसको ठंडे पानी से धो ले, जिसकी वजह से इसके अंदर का जितना स्टार्च है वो निकल जाएगा और आपका चावल बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा और सारे दाने बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी चावल पकाने के लिए आपको शुरू से एक एक बात का ध्यान रखना है, तभी आपका बासमती यानी कि बिरयानी चावल बहुत ही शानदार बनेगा। तो छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखें और आपके चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले और बिरयानी भी आपको बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनेगा। यहाँ पे मैंने छान लिया है और छानने के इसके जस्ट बाद मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी और फिर चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस में, जो कि हमारा है चिकन बनाना। तो यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच तेल डाल दिया है, कुकर में मैं बना रही हूँ। आप ऐसे पतीले में बनाएं जिसका पेंदी थोड़ा सा चौड़ा हो। तो कुकर में हमने तेल डालने के बाद प्याज डाला है, प्याज मैंने लगभग एक प्याज काट करके डाला है, जिस प्याज का मैं लास्ट में गार्निशिंग करूँगी। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको काफ़ी अच्छे से भून लेना है और भून लेने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे बिरयानी को गार्निशिंग करने में। और फिर सेम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, सेम तेल का इस्तेमाल करेंगे आगे के प्रोसेस करने में। तो यहाँ पे हम और थोड़ा तेल डालेंगे, लगभग तेल इतना होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा बिरयानी काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे साबुत सारा गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर, सारे गरम मसाले आप इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद काफ़ी अच्छे से पकने दीजिए। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे 2 बारीक प्याज कटा हुआ, डालना चाहिए जिससे कि हम चिकन में भी थोड़ा बहुत प्याज का तो यूज़ पड़ेगा ही ना। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्याज को अच्छे से भून ले इस तरह से, जैसे कलर इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम डालेंगे 3-4-5 जितना भी आप तीखा चटपटा खाना चाहते हैं हरी मिर्च डाल दें लंबे लंबे शेप में काट के। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। दोस्तों यहीं पे है मैरिनेटेड चिकन डालने का प्रोसेस। और फिर यहाँ पे आपको जो है चिकन को काफ़ी अच्छे से पकाना है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कम गैस नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा तेज़ आंच रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको चिकन को बहुत ही अच्छे से भूनना है। आपको कुछ देर में पता चलने लगेगा कि हमारा चिकन काफ़ी अच्छे से भूनने लगा है। आप देखिए काफ़ी अच्छे से इसका कलर चेंज होने लगा है ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे हमारा बिरयानी वाला जो मसाला आता है ना मार्केट में, दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी शॉप में मिल जाएगा बिरयानी मसाला पाउडर, तो वो आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच तो लगभग डाल ही दे। 3 चम्मच डालने के बाद काफ़ी अच्छे से चिकन को और हिला ले। आप देख सकते हैं पकाते पकाते आपको फील होगा कि चिकन का जो तेल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चिकन पकना शुरू हो गया है। तो यहीं पे बारी आती है हमारे जो हमने राइस पका करके रखी है उसको लेयरिंग करने का। तो ऊपर से हम अपना सारा राइस डाल देंगे। आप देख सकते हैं सारे दाने बिल्कुल अलग अलग है राइस के। तो सारा राइस डाल करके उसको काफ़ी अच्छे से हमें सेट करना है। इस तरह से काफ़ी अच्छे से इसको सेट कर ले कुकर की पैंदी में और फिर ऊपर से हम गार्निश करेंगे ये हरा धनिया से। हरा धनिया काफ़ी अच्छे से सब तरफ फैला दे। और फिर हमने जो अभी जो ध्यान दिया था ना, मैंने जो प्याज भून करके रखा था वो प्याज इस तरह से फैला दे।
और यहाँ पे हम डालेंगे केसर वाला दूध। केसर वाला दूध काफ़ी अच्छे से कलर डालता है, ऑप्शनल है, अगर केसर नहीं है तो उसे नॉर्मल दूध यूज़ करें। और फिर यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं, जो हमने चावल में से पानी निकाला था, यानी चावल पकाने के टाइम पे हमने पानी रखा था, वो दो तीन दो कम से कम दो कटोरी डाल ही दे, लगभग 300-400 ml। और फिर लास्ट में ये डालेंगे केरवा वाटर, जो कि आपको बिरयानी में स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे पानी आपको इतना डालना है कि नीचे से बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो दो यहाँ पे कटोरी मैंने पानी डाला है और एक कटोरी यहाँ पे एक दूध डाला है, जिसकी वजह से हमारा बिरयानी बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और जैसे ही हमारा कुकर में एक सीटी आएगा, एक सीटी ही लगने देना है दोस्तों, बिल्कुल भी ज़्यादा सीटी ना लगाएं। और एक सीटी जैसे ही इसमें आना शुरू होगा, वैसे ही हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और फिर हमारा जितना भी कुकर का सीटी यानी इसमें गैस है सबको निकाल देंगे। फट से ये काम करें फटाफट से, और निकालने के बाद ही आप देखिएगा कि आपका जो बिरयानी है बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। तो चेक कर लीजिए नीचे से कि बिल्कुल इसका पानी हट गया है, और अगर थोड़ा बहुत पानी बचा है तो बिल्कुल कम करके गैस थोड़ा सा पानी उड़ने दे। और इसी तरह से हो गया हमारा बिरयानी बन करके रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज शानदार बिरयानी तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट बना है इसका चिकन और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आज का ये बिरयानी का आपको रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले हर वीडियोस के अपडेट्स ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीजिए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए, ज़रूर नेक्स्ट रेसिपी मैं वही बना करके लेके आऊँगी जिसके सबसे कमेंट्स पे लाइक मिलेंगे, यानी कि जिसके कमेंट्स को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिला होगा उसी की रेसिपी नेक्स्ट रेसिपी बन करके आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और जो लोग ज़्यादा लाइक्स पाएंगे उसकी रेसिपीज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो ऐसी अच्छी और हेल्पफुल वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना खाइए, टेक केयर, बाय बाय।